एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में आएगा एडजस्टेड परचेज सर एडजस्टेड परचेज क्या होता है देखिए एडजस्टमेंट नंबर ना ना आप अपने हिसाब से लिखिएगा जो चल रहा है यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने पहले स्लाइड बनाया है ये तो ऊपर नीचे हो सकता है आप अपने कंटिन्यूसली में चल रहा होगा वो लिखिएगा एडजस्टेड परचेज कई बार क्वेश्चन में दे देता है तो परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग माइनस परचेज रिटर्न ये क्या होता है अडजस्टेड परचेज तो जब कभी भी आपको एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो हमें ओपनिंग स्टॉक क्योंकि वो परचेज में एड हो गया है और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि वो परचेज में से माइनस हो गया है परचेज रिटर्न क्योंकि ये purchase में से ही माइनस हो चुका है और इन सभी को एक नाम दे दिया adjusted purchase, तो अगर आपको सवाल में opening stock दिखता भी है तो आपको नहीं लिखना उसे दोबारा क्योंकि वो कहां जा चुका है परचेज में ही जा चुका है adjusted में अगर closing stock भी दे रखा हो तो उसे भी इग्नोर करना है तो जब उसे क्या करेंगे इग्नोर जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था वैसे मेरे हिसाब से इसमें बस सिंपल सी बात थी आपको एक एडजस्टेड परचेज का बारे में बताना था और ऐसा कुछ है नहीं तो मैं इसे तो मिटा ही दू इसी क्या कोई रोल नहीं है आपको ऐसा समझ में आ गया होगा सिंपल क्वेश्चन के बीच में आएगा ठीक है नोटिंग के टाइम पे नोट करवा देंगे अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं एक हमने डेप्रीशिएशन करा था तो डेप्रीशिएशन का एक पॉइंट ना पेंडिंग रह गया था दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन

क्वेश्चन में करवा दिया था सर हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब क्वेश्चन में मैंने बोला था करा दूंगा तो अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन क्या होता है इसके बारे में बता के फिर इसे नोट भी कर लेंगे ठीक है अब देखो अगर मैं आपसे कहूं अकाउंट की बात करूं तो आपको पता है एक अकाउंट दूसरे साइड से बैलेंसिंग होता है अगर मैं यहाँ पे लिखू पचास हजार मान लेते हैं यहाँ डेटर लिखू डेटर यहाँ पे लिखू मैं पचास हजार और पी एफ डी यहाँ पे लिखू पांच हजार तो इस अकाउंट के अंदर जो भी अकाउंट है अभी अकाउंट पे ध्यान नहीं देते इस अकाउंट में एक्चुअल इम्पैक्ट जो फाइनल आंसर निकालोगे वो कितना होगा आप सिंपली बैलेंसिंग करते हो यानी पचास में से पांच को माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर इस अकाउंट के अंदर नेट में जो सब कुछ बच रहा है वो दैट इज कितना है फोर्टी फाइव दूसरा एक तरीका यह भी है आपके पास अगर मैं यहां डेटर लिखू पचास हजार और यहां से माइनस कर दू पी एफ डी पांच हजार तो यहां भी कितने बच रहे हैं फोर्टी फाइव बच रहे हैं ठीक है यहाँ भी कितने बच रहे हैं फोर्टी फाइव समझ पा रहे हो ये चीजें तो अकाउंटिंग करने के ना दो तरीके हैं अकाउंट्स कहता है कि या तो आपको किसी आइटम में माइनस करना हो ना तो आप वही माइनस करके दिखा दो वो भी चलेगा अगर आप माइनस नहीं करना चाहते तो उसके अपोजिट साइड लिख दो तो इसका मतलब भी वही है कि माइनस कर रहे हो आप जैसे आपके सामने सेम एग्जाम्पल है मैंने यहां माइनस नहीं किया कहा लिख दिया उसके अपोजिट साइड तो नेट अमाउंट तो पैंतालीस ही है और इस वाले में क्या कर दिया हमने माइनस सेम पीएफडी पे एप्लीकेबल होता है या तो आप क्या करिए डेटर में से डेप्रीशियन की बात कर रहे हैं मैंने डेटर बोल दिया सेम एप्लीकेबल होता है किस पे पर पे तो डेप्रीशिएशन में बोला जाता है या तो आप उस एसेट्स में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दीजिए या फिर कहा दिखा दीजिए उसके अपोजिट साइड ठीक है तो उसी से रिलेटेड ये है हमारा पूरा का पूरा एडजस्टमेंट दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और इसका बहुत ही एक थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन काफी पॉपुलर नाम है दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ठीक है ना अक्सर ये आएगा हमारा एक ना हम पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम से एक चैप्टर है दैट इज डेप्रीशिएशन एस टेन वो करेंगे तो वहां पे बहुत नाम का डिस्कशन होगा तो अगर दे रखा हो तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो आपके पास दो ऑप्शन है वेदर आप क्या करिए बैलेंस शीट में से लाइबिलिटी साइड में दिखा दीजिए या फिर लेस कर दीजिए डेटर दोनों में से ठीक है मेरे से पूछोगे सर क्या करें मैं बोलूंगा आप ये फॉलो करिएगा ज्यादा से ज्यादा ये ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर फॉलो करते हैं अगले एडजस्टमेंट में गिवन हो तो आपको क्या करना है दो ऑप्शन है या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है लाइबिलिटी में वहीं पे ऐड कर दीजिए यानी कहा दिखा दीजिए सर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखा दीजिए एंड दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि लेस कर दीजिए किससे आप लेस फ्रॉम एसेट्स करंट प्रोविजन प्रीवियस कई बार ऐसा होता है हमारा पुराना भी प्रोविजन होता है नया भी बनाना होता है तो लेस करने वाले में पता है क्या करना पुराना वाला भी माइनस कर देना और नए वाला भी माइनस कर देना समझ में आया और अगर आप करना चाहते हैं कि लाइवलिटी साइड वाला ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो भैया लाइविटी में पुराने वाला वाला जो है उसी में नए करके दिखा देना इसकी डबल एंट्री भी होगी क्योंकि एडजस्टमेंट की बात चल रही है तो डबल एंट्री तो होनी है तो कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और वो भी कौन से वाला सिर्फ करंट ईयर वाला जाएगा ठीक है ना इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे नहीं है कि नहीं आएंगे तो ये बस एक छोटा सा ये पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है टेन ईयर मार्केट में आ गया मैंने बिल्कुल टेन ईयर के अंदर आप देखोगे ना तो सेम एग्जैक्टली exactly मैंने नोट्स भी दे दिए हैं जो बच्चे पढ़ रहे होंगे तो नोट्स उसके अंदर सेम एज इट इज मैंने वहां पर प्रिंट करा दिया है जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझ में आ जाएगा बाकी मैं पढ़ा रहा हूं तो नोट तो कर ही रहे हो आप उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है चलिए प्रोविजन फॉर डेट्स हो गया हमारा एडजस्टेड परचेज भी हो गया हमारा और आगे चलते हैं आगे चलते हैं हम बात करेंगे सर गुड्स यूज की अब सर गुड्स यूज गुड्स यूज का मतलब होता है कि आपने गुड्स को इस्तेमाल कर लिया गुड्स का मतलब स्टॉक को इस्तेमाल कर लिया जैसे मेरा काम मान लेते हैं कि अगर मेरा काम फर्नीचर का है तो मैं गुड्स को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं एक तो अपने घर के लिए फर्नीचर बना लिया दैट इज पर्सनल यूज के लिए हो सकता है दूसरा अपने दुकान के लिए एक मैंने चेयर बना लिया या टेबल बना लिया कस्टमर के लिए तो दुकान के लिए यूज हो सकता है ठीक है तीसरा अब मान लेते हैं चैरिटी में दे दिया मान लेते हैं कहीं पे चैरिटी में वृद्धा आश्रम है वहां पे मैंने बोला कि भैया मैं जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मैं ऐसा करूंगा कि पांच कुर्सी डोनेट करना चाहता हूं ताकि वो अपना बैठे वगैरह ठीक है तो वो क्या हो गया चैरिटी में चला गया या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक चेयर लीजिए और एक चेयर फ्री लीजिए आप यानी एज अ मैं फ्री सैंपल दे सकता हूँ आपको एडवर्टीजमेंट के पर्पज के लिए ठीक है और ये सारी जगह पे हम गुड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जब कभी भी गुड्स का इस्तेमाल होगा तो दो जगह इंपैक्ट आएगा आप सिंपल से पहले चीजों को समझ लेते हैं फिर देखेंगे जैसे देखो अब मान लेते हैं मेरी मिठाई की दुकान है और ये रहा मेरे पास और इसके अंदर खूब सारे रसगुल्ले हैं ठीक है किन लेते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस ही है मान लेते हैं ठीक है इसको छोटा कर देते हैं ना ठीक है दस रसगुल्ले ठीक है अब भैया दस में से एक रसगुल्ला मैंने ये दस में खरीद के लाया था मेरा आ, मिठाई की दुकान है तो ये बनाया था मैंने तो बनाया था तो यानी परचेज इसका मतलब मेरा गुड्स है अगर मैं आपसे गुड्स की बात करूं तो कितने रसगुल्ले हैं मेरे गुड्स के अंदर दस है अब एक इसमें से मैंने खुद खा लिया यूज कर लिया मैंने खुद खा लिया पर्सनल तो अब मेरे रसगुल्ले कितने बचे नौ तो मैं बोलूंगा मेरा परचेज पहले दस रसगुल्ले थे मेरे पास परचेज अब मेरे पास रसगुल्ले कितने बचेंगे नौ बचेंगे बड़ी सीधी सी बात है यानी मेरा कम हो गया परचेस देख रहे हो और जब ड्राइंग करेंगे तो इम्पैक्ट कैपिटल पे आएगा क्योंकि भाई तुमने बिजनेस में एक कैपिटल लगाते हो तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ आएगा कैपिटल कैपिटल क्या हो जाएगा माइनस तो दो इम्पैक्ट बस सोचो मैंने अगर यूज करा एक तो परचेस घट गया मेरा और एक मेरा क्या हुआ कैपिटल माइनस दूसरा बात करते हैं एक रसगुल्ला मैंने कोई आया मेरे दुकान में बैगर मैंने उसको दे दिया जा तू खा ले तो यानी चैरिटी दे दिया एक तरीके से तो दो रसगुल्ले निकल गए बच्चे कितने आठ फिर परचेस कम हो गया एक तो परचेस कम हो ही रहा है दूसरा क्या है चैरिटी में दिया तो मेरे लिए दुकानदारी का खर्चा है ये तो ये कहाँ चले जाएगा एक्सपेंस दैट इज कहा चले जाएगा पी एंड एल के डेबिट साइड में समझ में आ रहा है एक रसगुल्ला एक कस्टमर आया उसको मैंने फ्री में दे दिया एक बार तुम खा के देखो तब लेना एज अ फ्री सैंपल अब मेरे रसगुल्ले फिर कम हो गए अब कितने बचे साथ दूसरा फ्री सैंपल दिया तो मेरा खर्चा ही है तो ये भी कहाँ चला जाएगा पी एंड एल के डेबिट में तो आप देख रहे हो गए अगर हम कभी भी गुड्स का यूज करेंगे तो हमारा जो है परचेस हर बार क्या हो रहा है कम हो रहा था ठीक है ना तो सिंपल सी बात है तो इसी के ऊपर मैंने ये एडजस्टमेंट जो है कहीं भी पूछा जाता है कि गुड्स यूज के लिए तो दो तीन पॉइंट्स है जो कि मैंने पहले से लिखा है और इसका लिखने का बस एक ही पर्पस है कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और जल्दी काम कर पाए पर्सनल यूज होगा तो ड्राइंग होगा अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो लेस फ्रॉम डायरेक्ट कैपिटल करना है लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो एक तो लेस परचेज से करिएगा और एक लेस किससे करिएगा कैपिटल से ठीक है, है ना अब कई बार ऐसा दे रखा होता है कि जैसे रसगुल्ले की मैंने बात करी मैंने दो रुपए का रसगुल्ला लाया था और मैं पांच रुपए का बेचता था तो सेलिंग प्राइस कितना है उसका पांच रुपए और कितने का लाया था मैं खुद दो रुपए का तो अब भैया दो दो प्राइस है आप कैपिटल से क्या माइनस करें और परचेज से क्या माइनस करें तो जब कभी भी आपको देता है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो हमेशा हम कौन सा लेते हैं कॉस्ट प्राइस लेकिन ना हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक वाले में अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था एवर इज लोअर सिर्फ वो स्टॉक वाले में ही चलता है कॉन्सेप्ट और दुनिया में कहीं भी आ जाए हमेशा कौन सा प्राइस लोगे आप कॉस्ट प्राइस लोगे ठीक है ये वाला ड्राइंग वाला समझ में आ गया आपको अगला पॉइंट चलते हैं हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट दिया फ्री में भाई जिसको हम एडवर्टीजमेंट के पर्पज के लिए यूज करते हैं अगर ट्रायल बैलेंस में गिबन है तो प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चा ये तो फ्री सैंपल अगर एडजस्टमेंट में गीवन है तो एक तो लेस फ्रॉम परचेज समझ में आ रहा है परचेस क्यों कम हो रहा है दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और कौन सा लेंगे इसमें भी हम हर जगह पे कॉस्ट प्राइस लिया जाएगा ठीक है अब चैरिटी में दे दिया हमने तो चैरिटी में गिवन होगा अगर ट्रायल बैलेंस में तो कहां दिखा देंगे डेबिट में एडजस्टमेंट में होगा तो कहां चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और लेस फ्रॉम परचेज हो जाएगा ठीक है ना लेस फ्रॉम लॉस बाय फायर के ऊपर मैं अलग से लूंगा क्योंकि ना इसके अंदर इंश्योरेंस क्लेम भी आ जाता है इसमें इंश्योरेंस तो हाँ मैं एग्जाम्पल सारे दिखा दूंगा जी और सारी चीजें मैं बता दूंगा टेंशन मत लो मेरा अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट फोकस करो मैं पूरा पीडीएफ दूंगा आपको आप आराम से नोट करना क्योंकि मेरा पर्पज है मैं ज्यादा से ज्यादा खत्म कराऊँ ठीक है ना तो दूसरा मैंने लॉस बाय फायर भी हमारा गुड्स यूज हो सकता है और लॉस बाय फायर का अलग से होता है इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं मिला कुछ इस तरीके से तो इसको मैंने बाद में अलग से ही कराना है तो पहले गुड्स यूज में ये देखो जो मैंने तीन चीजें बताई ये क्लियर है आपको ठीक है तो जब भी एडजस्टमेंट होगा तो आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ठीक है